मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में आज एक नया मोड़ आ गया है। मथुरा कोर्ट में कल एक नई याचिका दायर की गई है और इस याचिका में दावा किया गया है कि 1670 में औरंगजेब ने मंदिर विध्वंस किया। इसके बाद औरंगजेब श्री कृष्ण के विग्रह को आगरा ले गया। श्री कृष्ण के विग्रह बेगम साहिब मस्जिद में अभी भी मौजूद है। मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान के विग्रह मौजूद है। याचिका में मांग की गई है कि बेगम साहिब की सीढ़ियां सील कर दी जाएं, साथ ही बेगम साहिब मस्जिद का एएसआई द्वारा सर्वे किया जाए। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण की विग्रह मूर्ति को गर्भगृह में वापस लाने की मांग भी की जा रही है। बेगम साहिब मस्जिद आगरा के लाल किले में मौजूद है। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर भी जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। आगरा के लाल किले में क्या अब श्री कृष्ण विराजमान है, इसे लेकर कुछ नई याचिकाएं दायर की गई हैं। दरअसल इसमें जो दावा किया जा रहा है वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 1670 में औरंगजेब ने मंदिर विध्वंस किया और इसके बाद श्री कृष्ण जी के विग्रह को आगरा ले आए और विग्रह बेगम साहिब मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं वहां पर मौजूद है, ये आरोप अभी लगाए जा रहे हैं। तो इस विवाद में अब ये नई याचिका दायर कर दी गई है मथुरा विवाद को लेकर कि श्री कृष्ण के जो विग्रह हैं वो आपको आगरा के लाल किले में मौजूद मस्जिद परिसर में मिल जाएंगे। ज्ञानवापी केस में 30 मई यानी कि सोमवार का दिन काफी अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इस दिन हिंदू मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हुई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी और वीडियो सबूत सौंपे जाएंगे। ज्ञानवापी को लेकर आने वाले इस वीडियो सबूत से आखिर डर किसे लग रहा है और क्यों सता रही है उन्हें, कुछ बातें देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा, तीस मई को देश के सामने आएगा सच। सच के सर्वे रिपोर्ट से डर क्यों? तमाम विरोध और आपत्तियों के बावजूद वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम पक्षकारों को ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट की कॉपी और सर्वे का वीडियो सौंपने का आदेश दे दिया है। तकनीकी कारण के चलते अभी कॉपी तैयार नहीं हो पाई है। 30/5/2022 को जब माननीय न्यायालय में पत्रावली पेश होगी, बहस के लिए रखा गया है, उसी समय कॉपी दी जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद में 6 मई और 14 से 16 मई के बीच हुई वीडियोग्राफी सर्वे रिपोर्ट जारी होने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कड़ा एतराज जताया। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का खतरा है। मुस्लिम पक्ष की दलील को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने आखिरकार सर्वे रिपोर्ट जारी करने के लिए 30 मई यानी सोमवार का दिन मुकर्रर कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जो विपक्षी संख्या 4 है कि इस कॉपी को इतना सेक्रेट रखा जाए और इस निर्देश के साथ वादनी या प्रतिवादी को दिया जाए कि वह कहीं इसको ओपन न करें, कहीं कोई देखे ना, कोई जाने ना। तो हमारा घोर विरोध इसलिए कि संभव नहीं है, क्योंकि कॉपी रहेगा, देखेंगे, अपने लोग हैं, स्टाफ हैं, जहां आपत्ति तैयार करेंगे लिखेंगे, एक बार दो बार 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 देखना पड़ेगा। तो अत्यंत सेक्रेसी का आदेश होना और इसका पालन होना संभव नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा विरोध किया है। अब सवाल उठता है कि जब मुस्लिम पक्ष को यकीन है कि ज्ञानवापी मंदिर नहीं मस्जिद है, तो सर्वे रिपोर्ट जारी होने का वो विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट जारी होने से उसे डर क्यों है? नहीं, कोई बात का डर नहीं, समाज में शांति व्यवस्था बरकरार है, बस इतना ठीक है। हम शांति चाहते हैं, हम पत्रौली मतलब जब तक कोर्ट की कार्रवाई, जब तक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जब तक निष्पादित न हो जाए तब तक भी ये न दिया। हाँ, इसे कमीशन की रिपोर्ट है जो है, कमिश्नर जो वहाँ गए हैं मौके पर, उसे देखते हैं, उसे समझते हैं, वो उसको देखेंगे तो सही बताएंगे। अब जिसको मालूम ही नहीं वहाँ स्थिति, वो थोड़ा सा पार्ट देख के पता नहीं क्या सोचेंगे, तो कन्फ्यूजन पैदा होगा ना, तो कन्फ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए, मेरा ये। और हमारी इसी रिपोर्ट के साथ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।